इधर आज यूपी की सियासत में एक और बहुत ज्यादा खबर चर्चा में रही। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी सामने आई। शिवपाल आखिर नाराज क्यों हुए, ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले योगी के मंत्री नंदगोपाल नंदी के इस बयान को सुनिए, जिसमें अखिलेश पर नंदी ने आज एक बड़ा अटैक बोला। देखिए, अखिलेश यादव के बहुत सारी बचकानी बातें, बयान, ये सब कुछ चुनाव के दरमियान और ऐसे भी सामने आई है। मैं यही कहूँगा कि जैसे कांग्रेस को डुबोने में राहुल गांधी पप्पू रहे हैं, उसी तरह ये भी पप्पू बनने की तैयारी, आप देखिए तैयार हैं डुबोने के लिए। जो अपने परिवार में जिनके पिताजी ने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी पार्टी बनाई, उनके द्वारा काम किए पर जनता ने मैंडेट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया और अपने बेटे को बैठाला और उन्होंने अपने पिता को ही लात मार करके खुद को स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लिया, अपने चाचा का नहीं हुआ, प्रदेश का कैसे हो सकता। योगी कैबिनेट में मंत्री नंदगोपाल नंदी को आप सुन रहे थे, जो राहुल गांधी से अखिलेश का कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस को गांधी ने डुबाया और उसी तरह जो अपने चाचा और पिता का नहीं हुआ वो प्रदेश का क्या होगा। बहरहाल अब आपको सुना देते हैं कि आज शिवपाल यादव आखिर इतनी चर्चा में क्यों रहे और सवालों में अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें शिवपाल यादव इंतजार में बैठे थे, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया और इस बात से वो नाराज बताए गए। हम अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। दो दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है, जबकि देखिए मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे, लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। तो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं चाचा शिवपाल यादव, कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट से जीते, चुनाव लड़े और आज उन्हें ही पराया कर दिया गया। वो इसी उम्मीद से दो दिन से लखनऊ में रुके रहे कि विधायक दल के चुनाव में अखिलेश यादव उन्हें बुलाएंगे, लेकिन उन्हें तो कोई न्योता ही नहीं मिला। शिवपाल इटावा चले आए और इधर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। जब यादव परिवार में कलह की बात सामने आई तो सपा सफाई देने लगी। अब शिवपाल यादव खुद को कितना भी सपाई बताएं, उचहार से सपा के विधायक मनोज पांडे की बात सुनेंगे तो पता चलेगा कि पिक्चर क्लियर है कि वो अपने नहीं पराए हैं। शिवपाल जी की नाराजगी की बात सामने आ रही, उन्होंने खुद कहा है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं, आप लोग कह रहे हैं। 28 तारीख को जो गठबंधन के अलग राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं हमारे, उनकी बैठक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 28 को बुलाई है। शिवपाल जी ने खुद बयान दिया, आपने बयान सुना होगा शिवपाल जी। नहीं देखिए, ऐसा है, आज की जो बैठक थी उसमें समाजवादी पार्टी के सीधे विधायकों की बैठक थी और जिनके अपने अपने अलग राजनीतिक दल हैं, जिसके दल के वो मुखिया हैं, उनकी बैठक पहले से ही 28 को प्रस्तावित है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।